हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों का परीक्षा जो है समाप्त हो चुका है और जो है रिजल्ट की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। इसके लिए एक वीडियो मैंने पहले पूर्व में दे चुका है आप लोग को इन्फॉर्मेशन, है ना। अपन रिजल्ट के बारे में बात करने नहीं जा रहे हैं अभी। जब रिजल्ट आ जाएगा तो इसका जो फॉर्म है, ओपन परीक्षा का नया फॉर्म कब तक आना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट किए थे कि सर अभी अगले बार के लिए जो है फॉर्म कब तक आएगा, और जो RTD के एक विषय वाले जो बचे हुए विद्यार्थी हैं उनको भी दिलाना होगा आगे परीक्षा। तो इसी के लिए मैं जो है ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अपन समझते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल जो है साल में 2 बार परीक्षा आयोजित कराता है। एक तो इसका फॉर्म अक्टूबर और नवंबर महीने में भरा जाता है, जो कि जनवरी तक भरा जाता है, और इसका परीक्षा आप लोग को पता है मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है। और यही जो है फिर से जुलाई अगस्त के बीच जो है एक और फॉर्म भरा जाता है, जिसको अपन अवसर परीक्षा फॉर्म बोलते हैं, है ना, जिसमें जो है अभी आपका रिजल्ट आएगा, यदि आप उसमें अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, एक विषय, दो विषय, या हो सकता है सारे विषय में कोई विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, तब उसको अपन अवसर परीक्षा फॉर्म कहते हैं। उस अवसर परीक्षा फॉर्म में आप किसी भी बोर्ड से फेल हुए हों तो ओपन से परीक्षा दिला सकते हो, चाहे एक विषय का हो, चाहे 5 विषय का हो, चाहे 3 विषय का हो, है ना। तो इसका जो फॉर्म है इसी जुलाई 2021-22 में आएगा दोस्तों, है ना। बहुत बड़ी जानकारी है आपके लिए, और उस समय आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नए विद्यार्थी के लिए नया नामांकन जो फॉर्म आता है, परीक्षा फॉर्म, वो अक्टूबर नवंबर में आता है, ठीक। तो अवसर जो परीक्षा फॉर्म होगा वो जुलाई महीने में आएगा, और इसका जो परीक्षा है वो सितंबर महीने में होता है। दोस्तों, सितंबर महीने में परीक्षा होता है, और 4 से 5 अक्टूबर के बीच इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो ये सारी बातों को मैंने क्रमशः आपको बता दिया कि परीक्षा फॉर्म कब आता है और कौन से विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी CG बोर्ड, रेगुलर बोर्ड से जो है कक्षा 10वीं या 12वीं फेल हो जाते हैं या सप्लीमेंट्री आ जाते हैं, वे भी बच्चे जो है ओपन परीक्षा में परीक्षा दे सकते हैं। जो अभी जून जुलाई में फॉर्म आएगा तो आप लोग फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, है ना। तो रेगुलर बोर्ड वाले भी कर सकते हैं, प्लस ओपन में जो विद्यार्थी है वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ओपन परीक्षा के 2 बार जो है परीक्षा फॉर्म आते हैं, है ना, एक तो अक्टूबर नवंबर में और एक तो जून जुलाई महीने में, है ना, ठीक है। तो दोनों बातें को मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कि कब आपको फॉर्म फिलअप करना है, और रिजल्ट जो है बहुत जल्द जो है जारी हो जाएगा दोस्तों, अभी जो परीक्षा हुआ है उसका।